गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख भाग है। इसे आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपके बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर कारक। कारक, अब इसमें पहला प्रश्न दिया गया, इन का वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक द्वारा करो। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको आपको कारक के माध्यम से पूरा करना, जैसे पेड़ फल लगे हुए हैं, मतलब इसमें कौन सा कारक भरा जाएगा, पेड़ पर फल लगे हैं। इसी प्रकार आपको नंबर दो, कुछ लोगों अंधेरे डर लगता है में उचित कारक भर के इसको पूरा करना है। दादाजी पक्षियों को दाना डालते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों शपथ दिलाई, इन सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको उचित कारक भर के स्वयं ही करनी है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। वाक्यों में से कारक संबंधी अशुद्धियों को दूर करके पुनः लिखो। जैसे अब इस पुस्तक पर 100 पृष्ठ हैं, अब इसमें जो कारक दिया हुआ है ये इसमें गलत है, इसके जगह पे आपको सही कारक भरना है। सही कारक करके उसको दोबारा से फिर से लिखना है सही करके। ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों में नहीं रुकी, पेंसिल ने चित्र बनाओ, मेरे को विज्ञापन देखना अच्छा लगता है, कंस कृष्ण को मामा थे। शब्द में अर्थ लग बताइए, ने राम अब क्या होगा, आराम को लिए कुर्सी लाइए, माँ को डांट सुनकर आंखों में आंसू निकल आए, तुमने भाई कहाँ है। अब इन सब कारक में जो अंडरलाइन की हुई है, जो कारक दिए हुए हैं, ये सब क्या है, ये सब गलत हैं, इनको शुद्ध करके आपको फिर से दोबारा लिखना है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर ग की तरफ। इन वाक्यों में उचित कारक चिन्ह भरो। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, दिल्ली गाड़ी चलकर जयपुर गई, घर कोई नहीं है, मेज फल रखे हैं, यह क्या किया, आप समय में बात आ गई है, इसमें उचित कारक भर के इसको आपको पूरा करना है। कोष्ठक में दिए गए कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। जैसे पहला, बिना विभक्तियों के कारक नहीं होते, बिना विभक्तियों के कारक नहीं होते, अब यह सही है ये गलत, अगर इस सही है तो इस पर सही का निशान लगाइए, और अगर ये गलत है तो इसमें गलत का निशान लगाइए। ये आपको स्वयं ही करना है। एक कारक चिन्ह का एक ही कारक में लग सकता है, कारकों की कुल संख्या 10 है, करण और आपादान कारक में से विभक्ति अलग अलग अर्थ में प्रयोग होती है, इन सभी में जो आपको सही वाक्य लगता है उस पर सही का निशान, जो गलत लगता है उस पर गलत का निशान लगाना है। इन वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक के नाम बताओ। अब इनमें जो रेखांकित पद हैं इनके कारक कौन से हैं, जैसे से का कारक कौन सा है, कर्ता है, कर्म है, अपादान है, संबंध कारक है, कौन सा कारक है उसका, जिस भी कारक के अंतर्गत आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वह पेड़ पर बैठा है, तुम्हारी बहन, घड़ी की सुई रुक गई, अरे तुमने क्या बात कही है, इन सब में जो उचित कारक है, कारक के नाम आपको इसके वाक्य के सामने यहाँ पर लिखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। ओके क्लास, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट शीट के बारे में। जो आपकी कॉन्सेप्ट शीट में दिया गया है उसे आप बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।